थाना लोहामंडी जयपुर हाउस में कपड़ा कारोबारी के यहां से चोर लाखों के आभूषण चोरी कर ले गए। पॉश कॉलोनी में वारदात से लोग दहशत में आ गए हैं। परिवार शनिवार को बेटी का मुंडन कराने गया था। घर पर सिर्फ नौकर और नौकरानी थे, जिन पर शक की सुई घूम रही है। थाना लोहा मंडी जयपुर हाउस में कपड़ा कारोबारी के मकान को चोरों ने निशाना बना लिया। कोठी में घुसे शातिर अलमारी से लाखों के आभूषण चोरी कर आराम से निकल गए और दूसरी मंजिल पर सो रहे नौकर और नौकरानी को भनक तक नहीं लगी। 58 जयपुर हाउस में सुरेंद्र कुमार अरोरा परिवार के साथ रहते हैं। बुजुर्ग सुरेंद्र कुमार अरोरा अपनी पत्नी कविता देवी, बेटे नितिन अरोरा और पुत्र वधु अर्चना के साथ नातिन का मुंडन कराने शनिवार को हरिद्वार गए थे। घर पर नौकर और नौकरानी को देखभाल के लिए छोड़ गए थे। रात में चोरों ने कोठी को निशाना बना लिया। भैया, ये सब लोग अपनी बेटी का मुंडन कराने हरिद्वार गए हुए थे। रात को ये नहीं पता किस प्रकार से अंदर बाहर से एंटर हुए या पीछे से एंटर हुए। उन्हीं दो कमरों को निशाना बना गया जिसमें ज्वेलरी रखी हुई थी। बाकी ना रुपयों को छेड़ा गया, ना लैपटॉप छेड़ा गया। जो ज्वेलरी जिस अलमारियों में रखी हुई थी, जहाँ चाबी थी, उनको ये भी पता था कि चाबी किस जगह रखी हुई है। वहाँ से चाबी निकाली, कमरे का ताला खोला और वहाँ से सारी ज्वेलरी लेके चले गए। हो सकता है इसमें किसी परिचित का हाथ हो। कोठी में घुसे चोर अलमारी में रखे लाखों के जेवर लेकर आराम से निकल गए। चोरों ने नकदी के साथ अन्य सामान को छुआ तक नहीं। जगले को उखाड़कर शातिरों ने नीचे दो कमरों को निशाना बनाया। रिश्तेदारों का कहना है कि अभी कितने कीमत के जेवर चोरी किए गए हैं, इस बारे में परिवार के आने पर ही जानकारी हो सकेगी। लेकिन अनुमान है कि शातिर करीब 1 करोड़ का डायमंड और सोने के आभूषण चोरी कर ले गए हैं। एसपी सिटी विकास कुमार, सीओ पुलिस फोर्स और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के साथ मौके पर पहुंच गए। एसपी सिटी का कहना है कि परिवार के आने पर पता चलेगा कि कितना गोल्ड चोरी हुआ है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। थाना लोहा मंडी क्षेत्र अंतर्गत जयपुर हाउस में सुरेंद्र अरोरा जी का मकान है और यहाँ पे अभी पूरी फील्ड यूनिट की टीम और पुलिस की टीम मौजूद है। और हमें ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पे एक चोरी हुई है। ये लोग शनिवार से गए हुए हैं हरिद्वार और इनके नीचे के पोर्शन में लोग रहते थे और वहाँ पे चोरी हुई है। ऊपर के पोर्शन में इनकी नौकरानी और उनके हस्बैंड सोया करते थे, तो उनसे पूछताछ में बता रहे हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं है। पूरे के पूरे घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है और जो कुछ भी सामने आएगा आपको अवगत कराया जाएगा। अभी कितना का चोरी हुआ है, क्या चोरी हुआ है, इनके द्वारा कुछ बताया नहीं जा सका है क्योंकि इनके परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं, वो खुद यहाँ मौजूद नहीं हैं। उनके द्वारा दी जाने वाली तहरीर मुकदमा लिखा जाएगा और इसकी विवेचना की जाएगी। और जहाँ तक हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं और इनका जो कहना है किसी अंदर वाले के मिलने का आशंका जताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, जांच चल रही है। चोरों ने कहां से कोठी में प्रवेश किया, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही नौकरानी मिथिलेश और उसके पति महेश से पूछताछ की जा रही है। घर पर देखभाल के लिए नौकर और नौकरानी को ही छोड़कर गए थे। पति पत्नी दूसरी मंजिल पर सोते रहे और चोर नीचे वारदात को अंजाम देकर आराम से निकल गए। गढ़ी भदौरिया की रहने वाली नौकरानी मिथिलेश करीब 18 साल से सुरेंद्र अरोरा के यहां काम करने आ रही है। पॉश कॉलोनी में वारदात से लोग दहशत में आ गए हैं। इस वारदात में किसी परिचित का हाथ माना जा रहा है। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।